हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं, मैं ज्योग्राफी का एक स्पेशल टॉपिक लेना मांगता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक मैथ्स और लॉजिक आ जाता है, तो मैं ये करा सकता हूँ आप लोगों को। सर्वे शीट क्लास 10th ICSE बोर्ड। वैसे CBSE में भी कभी कभार यूज होता है, जो बच्चे कॉम आपका आर्ट साइड लेके पढ़ते हैं जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ भी सर्वे शीट दे स्टडी। क्या सर्वे शीट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, मैं एक करके आपको टॉपिक्स बताऊंगा। शायद एक से दो भी दो से तीन वीडियो के बीच में हम लोग इसे कवर कर लेंगे, ठीक है? दो से भी तीन वीडियो में आपकी टॉपिक्स कवर होंगे, एंड देन एक सर्वे शीट हम सॉल्व आउट करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे होता है। सबसे पहले सर्वे शीट में जो टॉपिक आता है, दैट इज स्केल। अ स्केल डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ अ लाइन ऑन अ मैप एंड द लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन अ ग्राउंड। अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं कि एक्चुअल में स्केलिंग क्या होती है, तो आप लोगों के 9th क्लास में मैथ्स में एक टॉपिक था सिमिलर ट्राइंगल्स, और 10th में भी वो टॉपिक था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टॉपिक अब बोर्ड ने हटा दिया है। उसमें स्केलिंग होती थी। अगर आप लोगों ने मॉडल्स देखे होंगे, आप लोगों ने ग्राफ देखे हैं, ग्राफ में इंडिया का मैप इतना छोटा सा दिखता है, बट एक्चुअल में बाहर से अगर हम बहुत उसे स्काई से देखें या सैटेलाइट से देखें, तो वो वैसा ही दिखता है। तो उन्होंने क्या करा, उसी मैप को जो इतना बड़ा दिखता है उसे कॉम्पैक्ट रूप में लाया। तो उसमें क्या हुआ होगा कि जो हमको गंगा रिवर टीचर्स हमें बना के दिखाती हैं, वो गंगा रिवर एक्चुअल में वैसी है, बट जो उसकी लेंथ उस पेपर पे है, शायद रियलिस्टिक में वही 1 सेंटीमीटर बहुत किलोमीटर के बराबर होगा। उसे कहते हैं हम स्केलिंग। यही यहां लिखा भी है, स्केल डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ अ लाइन, लाइन जो कि मैप पे है और जो कि रियल लाइफ में ग्राउंड पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे छोटे बचपन में वो बनाते थे, नक्शे बनाते थे कि भाई ये एक नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा घर है, स्कूल का रास्ता है, ऐसे जाओगे ऐसे जाएगा, तो इतना छोटा सा मैप बना के उसे समझाते थे अपने दोस्त को कि मेरा घर ऐसे ऐसे पड़ता है। तो उसको हम इतने छोटे में लेके समझाते हैं, क्या रास्ता इतना छोटा हो जाता है? नहीं। तो हम मानते हैं कि हाँ 10-15 कदम में मेरा घर आ जाएगा, तो ये 10-15 कदम हो गए? नहीं, ये अजम्पशंस हैं, एंड दिस थिंग इज नोन एज स्केल। होपफुली स्केल समझ में आएगा। नाउ वी गो टू द टाइप ऑफ द स्केल, बाय अ स्टेटमेंट यानी और अ वर्बल, ठीक है? वर्बल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट से कैसे समझते हो, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 2 सेंटीमीटर को मैं कंपेयर करता हूं 2 1 किलोमीटर। ये वो है जो आपके स्टैंडर्ड सर्वे शीट में हम लेते हैं, मानने को कुछ भी मान सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड है जो आपके सर्वे शीट में दिखेगा। एंड सेकेंड मतलब 2 सेंटीमीटर जो मैप पर है वो एक्चुअल में 1 किलोमीटर है रियलिस्टिक में, यानी अगर 2 सेंटीमीटर स्केल से नापते वो इतना आ रहा है, इतना सा अगर आता है तो रियलिस्टिक में वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर आप उसे स्केल से नापते हो, मैं आपको सिर्फ डिस्टेंस नापना सब कुछ सिखाऊंगा, तो वो चीज है। सेकेंड है द न्यूमेरिकल फ्रैक्शन और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे RF बोलते हैं। 2016-17 के आसपास कभी देख लेना, शायद मुझे यहां तक याद है RF का मतलब पूछा है उन्होंने। तो RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अब ये जो चीज है इसको हमने उन्होंने वर्बली बोल दिया, इसे रेशियो में कन्वर्ट करने को ही रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे, 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर रहने दो, ठीक है, ये सेंटीमीटर में रहने दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप मुझे बता सकता है कोई? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 हो जाएगा, और इस इन 2 जीरो और लगाओ तो ये सेंटीमीटर में हो गया। समझ में आई बात नहीं है? ये भी सेंटीमीटर में, यानी पहले 1 किलोमीटर को मैंने 3 जीरो पे लगा के मीटर में करा और 2 जीरो और लगा दिए तो सेंटीमीटर। अब देखो 2 1 2 2 5 10 और 1 2 3 4 4 जीरो आपके आ गए, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 1:50,000 लिखा होता है, ये आपकी सर्वे शीट पे लिखा हुआ मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं न्यूमेरिकल फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। होपफुली समझ में आया होगा। एंड द लास्ट इज योर लीनियर स्केल, प्लेन स्केल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो कि आपकी सर्वे शीट पे दिखता है, ठीक है? अभी एक फोटो आएगी आप लोगों की स्क्रीन पे, मोस्ट प्रोबेबली आ गई होगी, वेरी गुड। तो आप उस फोटो में देखिए, एक है स्टेटमेंट और वर्बल लिखा हुआ एरो लगा के, एक होगा रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन जो ऊपर की तरफ होता है, और एक आपका लीनियर और ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन लिखा होगा। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको एक सर्वे शीट दिखाता हूं, मेरे हाथ में एक सर्वे शीट है, इसका नाम है पार्ट ऑफ शीट 45D7 का थर्ड पार्ट है। इसमें आप लोग ध्यान से नीचे देखो, ये देखो, ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये आपका वर्बल, और दिस थिंग जो नीचे दे रखे, दिस इज योर लीनियर और योर ग्राफिकल स्केल।
समझ में, ये जो सर्वे शीट पे नीचे की तरफ दे रखा होता है, दिस इज योर आरएफ 1:50,000, मैं आपको लिखा भी दिया कैसे निकलता है, दिस इज योर वर्बल 2 सेंटीमीटर, बहुत छोटा लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, एंड दिस इज योर स्केलिंग, होपफुली दिख रही होगी स्केलिंग, क्लियर है। तो आपको मेरे ख्याल से स्केलिंग समझ में आ गई कि तीन तरीके की स्केलिंग होती है और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन, आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो गए हो तो आपको पता होगा इस तरीके से, नॉर्थ साउथ, सबसे पहले तो याद होना चाहिए, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरा राइट हैंड जो होता है वो होता है ईस्ट और जो मेरा लेफ्ट हैंड होता है वो होता है वेस्ट। ये क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री पे है तो इनमें से इनका जो हाफ निकलेगा वो ऐसा निकलेगा और एक हाफ ऐसा निकलेगा। तो अगर मैं बोलूं मैथ्स के आप बच्चे हो तो 90 तो का हाफ का हो जाएगा 45 और ये भी हाफ क्या हो जाएगा 45, ठीक है, समझ में आया। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हम नॉर्थ और साउथ को प्राइमरी लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसे, NE, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे ही मैंने कहा था नॉर्थ और साउथ प्राइमरी है तो साउथ ईस्ट ये वाला पोर्शन साउथ ईस्ट कहलाता है, ऐसे ये वाला पोर्शन साउथ वेस्ट कहलाता है और ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। तो अब आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आएगा, जब इंडिया का मैप लेते हैं तो हम इसी सेंटर पे ये बना लेते हैं और हम कहते हैं देखो ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, मेघालय इस साइड में क्या बोलते हैं ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, हिमालय कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है, गाजियाबाद ये क्या है, दिल्ली सेंट्रल स्टेट्स बोलते हैं हम इन्हें, ठीक, राजस्थान और ये सब आपका नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की तरफ आप मानते हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं होता, बंगाल का वेस्ट होता है वो एक्चुअल में, ठीक है। तो ये एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, ये इसके बाद भी में कुछ और सब डिविजन होते हैं वो आपको समझना है कि अगर मैं इसको ऐसा बनाऊ यानी इसको भी मैं तोड़ दू तो बहुत ध्यान से देखो ऐसा, और इसको भी तोड़ दू, ठीक है, और इधर भी, इधर और सेम ऐसी यहां और एक इधर, मुझे पता है कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि भाई ये हो क्या रहा है ये, ठीक है, मुझे पता है कंफ्यूज तो बहुत हो रहे होगे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं इसको देखो हम लोगों ने क्या करा, इधर वाला पोर्शन को लेता हूं मैं, ये था नॉर्थ और ये रहा सब ईस्ट, मैंने क्या कहा ये पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसमें एक और सब डिविजन हम बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं क्योंकि नॉर्थ प्राइमरी है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पोर्शन कहलाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और ऐसे ये वाला पोर्शन की बात करूं तो ये वाला कौन सा पोर्शन कहलाता है, ये आपका पोर्शन कहलाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट प्राइमरी हो गया नॉर्थ ईस्ट नहीं, ठीक है, ईस्ट क्योंकि ये तो इसका सब डिवीजन है, इन दोनों का सब डिवीजन था तो ये छोटा होगा ईस्ट से, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है। अब इधर देखो ये क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, थोड़ी खिचड़ी सी पकी है बट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। पहले आपको पता करना है बीच वाला पोर्शन नॉर्थ और साउथ को मेन लोगे, इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा, मान लो ए और बी है, ये एक डायरेक्शन है, बी है, ये पॉइंट ऐसे दे रखे ए बी, तो आपसे पूछेगा वो डायरेक्शन बताएगा कि ए से बी या बी से, तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसने क्या बोला फ्रॉम वेयर, तो ये बात बहुत ध्यान से रखना कि वो कहां से बोला है, मान लो फ्रॉम ए की बात करता है अभी फिलहाल के लिए, फ्रॉम ए की बात करता हूं मैं, फ्रॉम ए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, फ्रॉम ए फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, तो हम ए पे ये लाइन बना लेंगे ऐसे, ऑब्वियसली दिस शुड बी इन थ्रू पेंसिल, नॉर्थ ईस्ट, ठीक, और इत्तेफाक से ये बिल्कुल एक्यूरेट, अगर इस पे चला गया तो बहुत अच्छी बात है, तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, बट अगर ये नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, बी यहां पे है मान लो कहीं, ठीक है,
तो अब नीचे वाला पोर्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ में आ रहा है, नीचे वाला पोर्शन बनाने क्योंकि वो तो उस सेगमेंट में चला गया। अब यहां पे ये पोर्शन बनाओ ये, ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट और ये है आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो ये अगर इसके क्लोज है, ये देखने पता चल जाएगा ये इसके क्लोज है या ये इसके क्लोज है, तो आप वो डायरेक्शन लिखोगे, लिखोगे बी इज इन, देखो ये इसके ज्यादा क्लोज है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ए, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ए। तो आपने बहुत क्लियर कट बता दिया, ठीक है, कि हम कहते हैं अरे इधर चला जा, इधर चला जा नहीं बोल सकते ज्योग्राफी में, आपको बहुत क्लियर बताना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब यही चीज अगर मैं यहां पे ए कर दूं, होपफुली ये कॉपी कर लिया होगा, प्लीज कॉपी कर लो इसे, अगर मैं ए कर दूं यहां बी कर दूं, तो जो चीज आप लोगों ने यहां करी है वो चीज आपको बी के साथ करनी पड़ेगी, और आपको साफ दिख रहा है यहां नॉर्थ और ईस्ट नहीं बना सकते तुम, तो यहां पे साउथ बनाना पड़ेगा आपको और इधर वेस्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये वाला पोर्शन कोऑर्डिनेट आना चाहिए, इसको सेंटर पे लोगे तो ये तो ऑब्वियसली क्या हो गया साउथ वेस्ट, और फिर यहां पे बनेगा सेंटर में ये, तो ये क्या हो गया साउथ साउथ वेस्ट। अब ये दिख रहा है साउथ वेस्ट के पास है, तो आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ ए इज साउथ वेस्ट फ्रॉम बी, ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और तरीका है डायरेक्शन फाइंड करने का, फिलहाल के लिए हम ये नॉर्मल जो डायरेक्शन जो आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं साउथ और वो, ठीक है, इसके बाद मैं अगला वाला बताऊंगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, बेयरिंग इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर क्लॉकवाइज। अब बच्चों के मन में आएगा एंगल हॉरिजॉन्टल, ये भी होता है, हाँ देखो ये लाइन कैसी है, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पे जब आप ये एंगल ऐसे बनाते हो तो दिस एंगल इज नोन एज योर वर्टिकल एंगल, ठीक है। जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक एंगल को एलिवेट करते हो दैट एंगल इज नोन एज योर वर्टिकल एंगल, क्योंकि वो वर्टिकली उठता है। बट अगर मैं एक वर्टिकल लाइन में जो एंगल फॉर्म करता हूं दैट इज नोन एज योर हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी अगर मैं एक ऐसी लाइन पे और एक ऐसा एंगल बनाऊं तो दिस इज नोन एज योर वर्टिकल एंगल, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंगल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे जो एंगल बनेगा दैट इज हॉरिजॉन्टल एंगल। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसी से पता चलेगा आप कौन सी लाइन को लेके बना रहे हो, तो बहुत ध्यान से समझना। क्लॉकवाइज आप पता है क्लॉक की डायरेक्शन में जो होता है, तो देखो ए मान लो बी, ये ए है और ये बी है, और आपसे पूछा है व्हाट व्हाट इज द बियरिंग ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, आपसे पूछा है, और चलो दूसरा भी लिख देते हैं बी, ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, तो करना कैसे होगा, कुछ नहीं करना आपको, पहले ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ऑब्वियसली ये सब चीजें देखो ये गिवन है, ये वाली जो चीज है ये आप किससे करोगे पेंसिल से, तो रिमेंबर दिस, ठीक है, और यहां बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब क्या लिखा, बेयरिंग ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, ओके मैंने गलत बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे कहां बनेगी, यहां बनेगी ऐसे, यहां से, ठीक है, ऐसे देखो यहां ले लेते। अब मजेदार बात सुनो, तुम कहोगे क्लॉकवाइज एंगल सर ये रहा, ठीक है, ये वाला एंगल क्लॉकवाइज हो गया, बहुत बढ़िया, बट हमेशा याद रखना बी पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन से बेयरिंग ली जाती है, नेगेटिव से नहीं। तो जब ऐसा कोई केस मिले, यानी यहां पे जो एंगल मान लो थीटा है, तो ये जो एंगल आप लोगे दिस इज योर 180 प्लस, क्योंकि आप यहां से एंगल को मेजर करना चालू करते हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम बी, पॉजिटिव डायरेक्शन से नाउ करोगे तो 180 तो ये डिफॉल्ट हो गया बाय स्ट्रेट लाइन, और ये थीटा, तो यानी यहां से अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं इज 180 प्लस थीटा, जो भी आप मेजर करोगे मान लो 120 है तो 180 प्लस 20 डिग्री, तो ये इसका बेयरिंग है। मतलब अब
इसके कहने का मतलब क्या है, हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएगा, वरना दोनों तरफ का कंफ्यूज होने की मतलब है। तो अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं और ए मेरा कहीं उधर की डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते। तो उसने बोला कितने एंगल पे मैं घूमू कि मुझे ए दिखे। तो ये इसका मतलब है बियरिंग का, कि बियरिंग पता है ना, वॉल बियरिंग इस घुमाने के मतलब से काम आता है बियरिंग वॉल। तो उन्होंने बोला थीटा प्लस, यानी मान लो अगर फॉर एग्जांपल हमने थीटा को 120 मान लिया, तो 180 प्लस थीटा, तो मान लो 180 मतलब यहां से मैं बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाऊं, यानी ऐसे ये मेरा 180 हो गया, और यहां से मैं थीटा एंगल को मूव करूं ऐसे, तो मेरे सामने जो मुझे दिखेगा दैट इज योर ए पॉइंट। समझ में आया? तो ऐसे मैं ए डायरेक्शन को फाइंड कर सकता हूं फ्रॉम पॉइंट बी, तो दिस इज योर एंगल। और यही चीज अगर फ्रॉम ए हो जाती तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट दिस, होपफुली कर लिया होगा, ठीक है। अगर यही चीज आपको फ्रॉम बी बोली जाती, सॉरी फ्रॉम ए बोला जाता, तो यहां से आप ये लाइन को हटा लोगे और वो लाइन यहां चली जाएगी, और ये रहा आपकी लाइन डिफरेंस, और यहां पे ये एंगल हो गया मान लो फाइव, तो दिस इज योर एंगल फाइव, जो भी आपका एंगल निकला है, ठीक है। ये बेयरिंग आप लिख सकते हो, तो यहां लिख सकते हो बेयरिंग इज फाइव फ्रॉम ए टू बी। तो यानी मुझे ए अगर मैं देख रहा हूं, मुझे बी को देखना है, तो मुझे बस इतना सा एंगल मूव करना है तो मुझे बी दिख जाएगा, और दोनों के दोनों अगर आप देख रहे हो तो क्लॉकवाइज। सो रिमेंबर दिस, द एंगल शुड बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आज के लिए हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा ग्रेड। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, पिछले साल तो बहुत बढ़िया तरीके से आया, क्योंकि फोर्थ ग्रेड भी पूछा और आपसे सिक्स ग्रेड पूछा। ग्रेड ग्रेडिंग फोर्थ ग्रेड और सिक्स ग्रेड होती है। सो बहुत अच्छे समझो इसे क्या है ग्रेडिंग। ग्रेड आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा हुआ, स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स, दीज आर स्मॉल स्क्वायर्स नोन एज ग्रेड, ठीक है। तो इनको ग्रेडिंग में सबसे पहले हमें जानना होता है, एक वर्ड आपको आएगा ईस्टिंग, वन वर्ड आएगा आपका नॉर्थिंग। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जो लाइन है, जैसे ये खड़ी लाइन है, ये एक फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी पांचवी, और ये ईस्ट की तरफ जा रही है, तो दीज आर नोन एज ईस्टिंग। ये लेटी हुई लाइन है, ये सोचो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो दीज आर नॉर्थिंग। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं, ये मान लेते 10 है, तो ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। और ये लाइनें जो खड़ी वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये आपकी किधर की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो मान लेते हैं ये ईस्टिंग है। तो इसका मैं एक एड्रेस मान लेता हूं 21, तो ये 21, तो ये 22, ये 23, 24, 25, 26, तो आपको समझ में आ गया होगा ये ईस्ट की तरफ जा रही है। तो ये खड़ी लाइंस वर्टिकल लाइंस आर नोन एज ईस्टिंग, और ये लेटी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है, दीज आर नॉर्थिंग। इसलिए नंबरिंग यहां नीचे से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जा रही है और ये ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये ईस्टिंग। तो बहुत सिंपल था इनका। अब आते हैं एड्रेस को लेके, जो कि एड्रेस में आपको समझना है कि वो किस तरीके से उसके एड्रेस को लेके चलता है, ठीक है। तो भैया देखो, फोर ग्रेड और सिक्स ग्रेड में बस दो चीजों का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से, कि पहले किसका एड्रेस आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब फोर ग्रेड या सिक्स ग्रेड लिख रहे हो, तो यहां पे जो आपका एड्रेस आता है पहले, वो आता है ईस्टिंग, ठीक है, ईस्टिंग आती है, एंड देन आपकी आती है नॉर्थिंग। पहले ईस्टिंग लिखेंगे आप जो और वर्टिकल लाइन है, एंड देन नॉर्थिंग लिखेंगे। बस ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि पहले ईस्टिंग एंड देन फिर नॉर्थिंग। तो अगर मैं एक बात कर लूं इस पॉइंट की, मान लो ए पॉइंट मेरा यहां है, तो देखो ये कौन से में गया है, ईस्ट मेरा पहले देखो, तो ये मेरा 23 पे आया, ठीक है, 23 के आगे है, तो 23 लाइन पे है, और नीचे से आते वक्त 10, 11, 12 के ऊपर है, तो इस बॉक्स का नाम क्या हुआ, इस बॉक्स का नाम क्या हुआ, इस बॉक्स का नाम हुआ ए का एड्रेस मेरा हुआ इस वक्त ईस्टिंग पहले, तो 23, क्योंकि 23 के एरिया में आया है, और 12, तो 23, 12 मेरा इसका एड्रेस हो गया। समझ में आया? दिस इज फोर ग्रेड, 1, 2, 3, 4, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अगर मान लो बी यहां पे होता, तो बी ये होता, तो हम क्या कहते, भैया देखो ये 24 आया है, तो 24 इसका एड्रेस ले लिया, और नॉर्थिंग करते हुए 13 आया, तो ये इसका एड्रेस हो गया। होपफुली समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो मान लो ये इसका एड्रेस बताओ आप लोग, सोचो 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 सोचो, वेरी गुड, 22 and 11, तो सी का एड्रेस क्या होगा, 22, 11, इसका एड्रेस बताओ क्या होगा, डी का,
डी को यहां ले लेते हैं यार, कौन कौन का वहीं ले रहे हो सारे कोने में, तो डी का एड्रेस क्या होगा 10, ओ सॉरी 22 10, डी का एड्रेस क्या होगा 22 10। अगर मैं इसे यहां ले लूं ई को, तो इसका एड्रेस बताओ क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 24 10, तो ई का एड्रेस होगा 24 10। तो बहुत सारे आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे बता देना, अपनी ईमेल आईडी डाल देना, मैं ईमेल करके उनको फोटो भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और फिर आप मुझे उसी मेल पे रिवर्ट बैक कर सकते हो, देन आई विल चेक एंड कि आपके किस किस के सही हैं। सो प्लीज अभी ये चीज समझ में आई, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गुड, अब मैं ए ग्रेड को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं आपके, ठीक है। मान लो मैं ए को ही बड़ा करता हूं इधर की तरफ, ये जो ए बॉक्स है इसको बड़ा करते हैं। तो देखो ए बॉक्स को मैंने बड़ा करा, अब देखो तुम्हें बड़ा नहीं करना भाई, मैं तुम्हें क्योंकि इसमें करके दिखाऊंगा तो वो खिचड़ पिचड़ हो जाएगी, इसलिए मैं उसे तो बड़ा करके समझा रहा हूं कि ए बॉक्स यहां कहीं है। ये 23 है ए के इधर की लाइनिंग, और ये 24 है, तो समझ में आ रहा है 23 बॉक्स है इसका नाम, और ये 12 है और ये 13 है, तो 12 इस बॉक्स का नाम क्या है 23 और 13। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइनिंग खींचनी पड़ती है। तो अगेन लाइनिंग में वही आपका रूल आ जाता है कि किस तरीके से आप लाइनिंग करोगे, नीचे से आप लाइनिंग करोगे ऊपर की तरफ, तो यहां से लाइनिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वो खुद होगी, ठीक है। ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वो खुद होगी, ठीक है। तो आपको 10 लेटी लाइन और 10 खड़ी लाइन में डिवाइड करना है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये 10 लेटी और 10 खड़ी लाइनें कहां से लाएंगे हम, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके रेफरेंस में ये जो पॉइंट गिवन होता है आप इसको यूज कर सकते हो। दिख रहा है ये सभी को, यहां पे देखो ये 10 है, अगर आपको दिख रहा है 1 ये 0 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बॉक्स पे लगाऊंगा तो ये जो पॉइंट है ये ऐसे कट लगा देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खुद, और इसी को ऐसे लेटे पे लगाओगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वो 10 वो खुद, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि देखो 12 इसका ए का मैं 6 ग्रेड ले, तो ईस्ट और उसका एक पॉइंट एक ग्रेड जो यहां से आएगा एंड नाइन नॉर्थ और फिर एक ग्रेड जो उसका यहां से आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना कि किस तरीके से तुम ईस्ट नॉर्थ, तो मैंने आपको प्लॉट करना बता दिया, ये कहां से देखोगे आपके सर्वे शीट के नीचे ये ऑलरेडी गिवन होगा, तो आपको कहीं से नहीं करना। अगर आपको नहीं आता रहा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा सर क्या करना है, तो देखो ये याद रखो ये जो बॉक्स है 2 सेंटीमीटर का है, तो आप 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते, तो क्या करना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर का गैप लेना पड़ेगा, कि 2 सेंटीमीटर पहला कट, 2 सेंटीमीटर के बाद फिर दूसरा कट, फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद, फिर तो 10 यहां तक हो जाए, यानी यहां से लेके 0 से लेके ये 20 तक आ रहा होगा, ठीक है। हाँ 20 तक जा रहा होगा आपका स्केल अगर आप रखोगे, तो आप 2 सेंटीमीटर के बाद गैप दोगे, 2 सेंटीमीटर के बाद आप ये 2 इंचेस हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर के बाद आप इसमें गैप देंगे, तो आपका ये प्लॉट यहां भी हो जाएगा यहां भी हो जाएगा। अब नंबरिंग वही समझ नहीं है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वो खुद है, क्लियर है। तो इसके बाद आपको क्या करना, वही 23 इसकी वो था एड्रेस, तो मैं वही लिखूंगा 23। अब इसके बाद जब मेरे नॉर्थिंग ऐसे आ गए, तो यहां से ये कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, 1 2 और 3 पे मुझे ये मिल जाएगा, है ना, तो मैं इसके 3 लिखूंगा, और फिर इसके बाद मैं इसकी वो लिखूंगा आपकी नॉर्थिंग यानी 12, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं उसका एड्रेस लिखूंगा, एड्रेस बोले तो नॉर्थिंग पे जाते वक्त कौन से पे आया, तो 1 2 3 4 5 यहां यहां देख लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 पे आया, ठीक है। तो दिस इज योर सिंगल बिट और दिस वन इज योर 2 बिट यानी 4 बिट वाला है, तो आपका जो होगा वो 2 3 3 1 2 9 इसका 6 ग्रेड रेफरेंस हो गया ए का। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी, बोर्ड में कंफर्म आती है बेटा 6 ग्रेड ए का आएगा, 2 ग्रेड वाले शायद 2 आ जाएंगे 4 ग्रेड वाले, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे समझो,
नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताओ या बार बार वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत इजीली समझाई है आप लोगों को। पहले ईस्टिंग नॉर्थिंग समझना क्या होता है, फिर फोर्थ ग्रेड को प्रैक्टिस करना को, फिर सिक्स ग्रेड आएगा। सिक्स ग्रेड में कुछ नहीं करना, इसी को मैग्नीफायर रूप में ले लिया, यानी फोर्थ ग्रेड को मैग्नीफायर। अभी तक हम ग्रेड का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपका एड्रेस होता है, आपका एड्रेस क्या होता है, पहले आपका इंडिया, इंडिया के बाद स्टेट, स्टेट में किस स्टेट में हो, स्टेट के बाद फिर आपका सिटी आता है, सिटी के बाद फिर आपका एरिया का नाम आता है, एरिया के नाम का ब्लॉक आता है, ब्लॉक में अगर आपका अपार्टमेंट नंबर है अपार्टमेंट नंबर आएगा, या आपकी रोड नंबर या कुछ गली नंबर है तो वो आएगा, फिर उसका आपका घर का एड्रेस आएगा। तो वो इसी तरीके से है कि आपने पहले ग्रेड बताया, ग्रेड में फिर आप अंदर चले गए और ईस्टिंग नॉर्थिंग वही सेम कॉन्सेप्ट कि जो ईस्ट की तरफ जा रही है उस नाइनों को छोटी ईस्टिंग, ये बहुत छोटी नॉर्थिंग, ठीक है। तो नॉर्थ नंबरिंग याद रहना चाहिए कि ईस्ट की तरफ एंड नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट वाला नंबर पहले फिर नॉर्थ वाले का नॉर्थिंग, क्लियर है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछते हो, बताते हो अपनी प्रॉब्लम, तो मैं मोटिवेट होता हूँ एंड देन मैं आप लोगों के लिए इजी तरीके से, जितना इजी मेरा हो सकता है मैं उतना इजी तरीके से आपको बनाने की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये किसी खास जने ने उससे रिक्वेस्ट करा था कि सर्वे शीट पर आप बनाइए, तो ये उनकी रिक्वेस्ट से बनाया है मैंने। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए, ठीक है, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ इसे आप पसंद करें और इसे शेयर करें, ठीक है, बिकॉज आप लोग अगर मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ऐसी आप लोगों के लिए, आपके हेल्प के लिए और भी वीडियोस लाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड शेयर इट टू द ऑल द नीड्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।